सोनल टोपी वाला व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में नेहू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री एस के श्रीवास्तव, जिनका पूरा नाम है श्री कृष्ण श्रीवास्तव, जिनके नाम में ही कृष्ण है, उनके गुण और उनकी धर्म के प्रति भावना और शिक्षण के प्रति भावना भी ऐसी है। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपके बारे में हमारे दर्शकों को परिचय दीजिए। मैं श्री कृष्ण श्रीवास्तव, मेरा नाम है, प्रोफेसर हूँ, केमिस्ट्री मेरा विषय है, रसायन शास्त्र, और नैनो मटेरियल्स, नैनो टेक्नोलॉजी मेरा शोध का विषय है, शोध क्षेत्र है। मैं इस समय नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय जो शिलांग में स्थापित है मेघालय में, मैं वहाँ पर कुलपति के रूप में कार्य कर रहा हूँ। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और एज ए वाइस चांसलर मुझे वहाँ 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं। 2015 सितंबर से मैं वहाँ कार्यरत हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार और नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी से अनेकों शुभकामनाएं। सर, आप एसके श्रीवास्तव से लेके वाइस चांसलर ऑफ नेहू यूनिवर्सिटी तक का सफर कैसा रहा? आप कहाँ से आप बिलोंग करते हो? आप मेघालय किस तरह से गए? आपने ये स्ट्रीम ही क्यों सिलेक्ट किया? ये जो मेरी जीवन यात्रा अब तक की है उसके बारे में मैं संक्षिप्त में ही आप लोगों को बताना चाहूँगा। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मेरी शुरू की शिक्षा दीक्षा पूर्वी उत्तर प्रदेश ईस्टर्न यूपी में हुई और मैं एमएससी के लिए आईआईटी कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में मैंने केमिस्ट्री एमएससी 2 ईयर्स प्रोग्राम में प्रवेश लिया। उसके बाद से वहाँ से मैंने शोध कार्य किया, तो पीएचडी मेरी आईआईटी कानपुर से है। उसके बाद मैं पूर्वोत्तर में मणिपुर विश्वविद्यालय की राजधानी इम्फाल, वहाँ पे मैंने अपना असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य शुरू किया। फिर मैं विदेश गया शोध कार्य के लिए, पोस्ट डॉक्टरल जो फेलोशिप होती है अंडर कॉमनवेल्थ एकेडमिक स्टाफ फेलोशिप, मैं वहाँ एक बहुत ही हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, एक खूबसूरत शहर है यूके का ब्रिस्टल, वहाँ पे मैंने समय अपना कार्य किया शोध के उसमें क्षेत्र में, और ये माइक्रो इमल्शंस और नैनो मटेरियल्स के उसमें क्षेत्र में मैंने काम किया। सो ज़्यादातर समय मेरा रसायन शास्त्र के शोध में, पठन पाठन में, वहाँ पर मणिपुर विश्वविद्यालय में एमएससी प्रोग्राम है, पीएचडी प्रोग्राम है, उसमें मैंने कार्य किया, कई शोध छात्रों को, पीएचडी स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया। फिर 2015 में मुझे केंद्र सरकार ने एक सुअवसर दिया, एक कुलपति के रूप में सेवा करने की, देश की, समाज की, उस पूर्वोत्तर क्षेत्र की, तो तब से मैं वहाँ पे हूँ। और कुलपति के रूप में मैंने कई अच्छे अच्छे कार्यक्रम जो देश हित में हैं वो मैंने किया वहाँ पे। हर प्रकार से अनुशासन की दृष्टि में भी हमारा विश्वविद्यालय नेहू किसी भी जो अन्य विश्वविद्यालयों में जो प्रॉब्लम्स हैं कैंपस रिलेटेड, बिल्कुल शांत वातावरण में वहाँ पे पठन पाठन शिक्षा दीक्षा हो रही है। वहाँ के अध्यापक, वहाँ के छात्र छात्राएं, सभी लोग हम लोग मिलजुल के अच्छे से कार्य कर रहे हैं, और उच्च शिक्षा के संबंध में जितने जो नए आयाम हैं, नए इनिशिएटिव्स हैं, उसको हम लोग वहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, और भी कुछ बड़ा करना है देश हित के लिए। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो प्राकृतिक संपदाओं से काफ़ी हरा भरा है, रिच है, बायोडाइवर्सिटी है वहाँ का, वहाँ के ट्राइबल कल्चर, फिलॉसफी, और भी जो वहाँ का इंडिजिनस नॉलेज जो है, उन सब के प्रति हम लोग जागरूक हैं और कई अच्छे विषयों में हम लोग काम कर रहे हैं। और नेहू की रैंकिंग भी विगत कुछ वर्षों में काफ़ी अच्छी हुई है, लेकिन अभी बहुत बड़ा काम करना है इस शिक्षा के देश में, अपने देश के लिए। सर, नेहू यूनिवर्सिटी में आपके आने से कौन से बदलाव आए, जैसे कि पहले क्या था और आपके आने से कौन सा चेंजेस नया आ गया? वैसे तो सत्य बात यह है कि कोई कुलपति आता है तो उसके पहले की भी जो प्रशासन है उन्होंने भी अच्छे काम किए होते हैं, तो दैट वे आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि काफ़ी काम किए। लेकिन
हमेशा कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो कि लोग टालते जाते हैं, कि उसमें चैलेंजेस होते हैं काफ़ी, वो सब इनिशिएटिव लेने में लोगों की ये नहीं मालूम होता है कि उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। और कोई भी कुलपति जब नया अपना कार्यभार लेता है तो वो उसको कुछ नया भी करने की जिम्मेदारी उसके ऊपर रहती है। तो मेरे ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे सबसे पहला काम जो नेहू कुछ सालों से उसका जो नैक एक्रेडिटेशन था वो एक्सपायर हो चुका था, जो कि एक बहुत ही चिंतनीय विषय है किसी भी विश्वविद्यालय के लिए, उसके छात्रों के लिए। नेहू ए ग्रेड विश्वविद्यालय रहा, लेकिन 2014 से उसका नैक ग्रेड एक्सपायर कर चुका था। तो वो उसको मैंने तुरंत उसके तरफ जो है मैंने अपना ध्यान केंद्रित किया और एक सभी टीम के साथ मिलके मैंने उसका मूल्यांकन करवाया। फिर उसके बाद से वहाँ पे कई सालों से वहाँ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं टीचर्स एसोसिएशन की, स्टूडेंट्स की, ये सब चीज़ों को मैंने तुरंत जो है हैंडल किया, क्योंकि मेरा मानना यह है कि अच्छा शिक्षण शोध कार्यक्रम तभी सफल होगा जब विश्वविद्यालय परिसर में, कैंपस में सभी जो उसके अंग हैं, टीचर्स, स्टूडेंट्स और नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर्स, वो सब जो हैं एक अनुशासित रूप में, एक अच्छे वातावरण में रहें। तो उस दिशा में मैंने कार्य किया। फिर और भी कुछ इश्यूज थे जो भारत सरकार, केंद्र सरकार के जो निर्देशों का जो पालन, वो उसको मैंने वहाँ पर करवाया। वहाँ के जो फाइनेंसेस वगैरह हैं, आर्थिक जो क्षेत्र में जो रिसोर्सेज हैं, और भी जो माननीय राष्ट्रपति जी जो यहाँ के कुलाध्यक्ष हैं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द विजिटर ऑफ नेहू, तो उनके आदेशों का पालन जो भारत सरकार के माध्यम से किया जाता है, हम लोगों को कम्युनिकेट किया जाता है, उसका मैंने पालन करवाया। और फिर कुछ सर आपने दो लैंग्वेज भी ऐड की है, उसके बारे में बताएं, क्योंकि वो जानना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे जो है अभी रिसेंटली हम लोगों ने पिछले 3 साल से वहाँ पे संस्कृत का सर्टिफिकेट कोर्स जो शुरू किया है उसको, वो बड़ा ही पॉपुलर हुआ है। और इस फरवरी से, अगले महीने से हम लोग कुछ जो साउथ ईस्ट एशियन लैंग्वेजेज और ईस्टर्न जो एशिया के जो लैंग्वेजेस हैं, जापानीज, कोरियन और थाई, इन सबों की तरफ भी हमारा काफ़ी झुकाव है, क्योंकि हमारे भारत सरकार और विशेषवी माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की जो लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो आज के समय में है, उसको कार्यान्वित करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग जो है साउथ ईस्ट एशियन जो नेशंस हैं उनकी तरफ भी हम लोग ध्यान दें। और मुझे जान के प्रसन्नता आपको बताने में बहुत खुशी हो रही है कि थाईलैंड की एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, चुलालंगकॉर्न विश्वविद्यालय, वहाँ पे हम लोगों का नेहू का और चुलालंगकॉर्न विश्वविद्यालय का समझौता हुआ। वहाँ की हर रॉयल हाइनेस प्रिंसेस ऑफ थाईलैंड, शी विजिटेड नेहू, और 2 साल पहले उसके बाद फिर हम लोगों ने थाई भाषा, खासी, हिंदी, इसका एक ऑनलाइन डिक्शनरी हम लोग कर रहे हैं, और भी जो कम्युनिटी टूरिज़म है, लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड जो शोध हैं उसमें भी हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ और भी कुछ MOUs हमने अन्य लेबोरेटरीज इंस्टीट्यूशंस के साथ किया है। तो हर क्षेत्र में, सामाजिक विषय हो, विज्ञान है, भाषा है, सब क्षेत्र में कुछ ना कुछ हम लोग नया प्रयास करने की कोशिश करें। हाल ही में आपको जान के बताने मुझे प्रसन्नता हो रही है कि 2 विषय, एक जियोलॉजी, भूगर्भशास्त्र, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में होना चाहिए था शुरुआत से ही, वो अभी खुलने जा रहा है, और डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री, वो भी एक बहुत ही अच्छा विषय है, बहुत रिलेवेंट है उस रीजन के लिए। तो ये सब नए विषय भी हमको मिले, और भी कई एक्टिविटीज़ हम लोगों ने, यहाँ इनक्यूबेशन सेंटर, इनोवेशन और इनक्यूबेशन सेंटर्स हमने प्रारंभ किए हैं। और एक बहुत बड़ा काम जो हमने किया, जो मैं समझता हूँ अपनी दृष्टि से, ये माननीय श्री कनू भाई टेलर जी को हमने, हमारे विश्वविद्यालय ने एक डीलिट की ऑनरिस काजा PhD की उपाधि प्रदान की। ये दर्शाता है कि हमारा विश्वविद्यालय जो दिव्यांग जनों के प्रति भी अपनी संवेदनशीलता रखता है और प्रेम रखता है, ये एक छोटा सा प्रयास हमारे विश्वविद्यालय ने अभी किया। ऐसा माना जाता है कि नेहू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट दंगल बहुत करते हैं, तो उस समय आप उन लोगों को किस तरह से संभालते हो?
दंगल ये एक शब्द है जो मुझे दंगल फिल्म की याद दिलाता है। तो अगर दंगल प्रतिस्पर्धा के रूप में हो, कॉम्पिटिटिवनेस हो, तो कुछ हद तक अच्छी बात है। ये आपके लाइटर विन में मैंने कहा। यहाँ तो मैं आपको अगर अन्यथा न लें तो मैं आपको सुधार कर दूँ कि जब से मैंने ज्वाइन किया है उसके बाद से हम लोग बीच में उस तरह का दंगल नहीं हुआ जो कि आप अन्य विश्वविद्यालय कैंपसेस में देखते हैं। मैं अनेकों विश्वविद्यालय का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हर विश्वविद्यालय में कुछ ना कुछ होता रहता है। और ये जो छोटी मोटी अगर घटनाएं हैं जो पॉजिटिव सेंस में हैं, ये दिखाती हैं कि भाई स्टूडेंट्स का कंसर्न क्या है, वो किन इश्यूज़ के बारे में वो सचेत हैं, क्या चाहते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन उसको उसके ऊपर ध्यान दे। तो जहाँ तक तो अगर वो बात है तो वो तो मतलब उसको हम लोग उस पॉजिटिव स्पिरिट में देखते हैं। आपने कहा कैसे हमने उसको कंटेन किया या उसको कैसे हमने जो है मतलब ठीक संभाला। जी बिल्कुल, इसके लिए सबसे बड़ी बात है किसी भी कुलपत के लिए कम्युनिकेशन, आई मीन 24/7 कम्युनिकेशन, संवाद, ये बहुत ही आवश्यक है। और मेरा पूरा विश्वास है कि मैं अपने सभी छात्रों के साथ, अध्यापकों के साथ, जो हमारे नॉन टीचिंग जो कर्मचारी के साथ मेरा कॉन्टिन्यूस डायलॉग रहता है, और कुछ समस्या आने के पहले हम लोगों को एक, अगर हम संवेदनशील हैं तो उसको हम लोग एक प्रोएक्टिव तरीके से वी कैन यू नो एंटिसिपेट एक्सपेक्ट कि भाई ये प्रॉब्लम है और उसको हम लोग तुरंत लेना है। एक मैं आपके छोटी उदाहरण दूँ दो चार, और ये मैं सभी दर्शकों से ही मैं विनम्र मेरा निवेदन है, ये मैं अपनी मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, खाली फैक्चुअल जो पोजीशन है वो मैंने, जैसे मैंने ज्वाइन किया फिर मैंने हॉस्टल में हॉस्टल्स में गया, मुझे पता चला कि वहाँ पे गीजर्स नहीं है। सभी लोग जानते हैं शिलोंग मेघालय एक ठंडा ठंडी जगह है, वहाँ पे मतलब अन्य भागों के इसमें एक हिल स्टेशन शिलोंग हुआ करता है, अभी भी हुआ करता था, अभी भी है, और वहाँ पे गीजर्स नहीं है। तो लड़के लोगों का एक वो था, मतलब उनका एक हुजूम वहाँ पे बैठा हुआ था, छोटे मोटे इश्यूज पे कुछ धरने थे। तुरंत मैंने कम्युनिकेट किया और मैंने उनसे कहा कि मैं आपको प्रॉब्लम्स देता हूँ कि इसके लिए आप लोग डिमांड करनी चाहिए। मैंने उनसे मजाक में कहा भी मेरे घर में 3-4 गीजर हैं, प्रोफेसर्स घर में हैं, तो हॉस्टल्स में क्यों नहीं होने चाहिए। तो बिना आपके डिमांड किए मैं ऑलरेडी उसके लिए मतलब काम शुरू कर दिया, तो बने हम गीजर किए। ऐसे ही जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे बताने में ये थोड़ी शर्म भी महसूस हो रही है कि नेहू में, ये मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ अपने साथियों की, पिछले 4 दशकों से जब से विश्वविद्यालय बना हमेशा परीक्षा परिणाम जो है आपका अगस्त लास्ट वीक, सितंबर या अक्टूबर तक आते थे। मुझे बड़ा ये विचित्र सा लगा, मैंने तुरंत अपने अध्यापकों से टीचर और स्टूडेंट्स को मैंने बताया कि ये तो मुझे बिल्कुल मान्य नहीं है, इट इज़ नॉन निगोशिएबल, और परीक्षा रिजल्ट मुझे जुलाई के फर्स्ट वीक तक चाहिए। और मुझे जान के उनको बताने में प्रसन्नता हो रही कि पिछले 2 सालों से ये मतलब समझिए लाइन पे आ गई है। अन्य जो विश्वविद्यालय हैं देश के अच्छे विश्वविद्यालय हैं उनके साथ जो परिणाम हमारे निकल रहे हैं, फिर एक साथ मैं बता दूँ कि मैं जो है स्टूडेंट रिलेटेड और भी कई इश्यूज हैं वो हमने मतलब देखा वहाँ पे। और इसी कारण से पिछले 4 साल कुछ महीनों से वो छोटे मोटे प्रदर्शन, कोई बुरी बात नहीं, लड़के आते हैं, मिलते हैं, धरना देते हैं, बातचीत होती है, बाद में वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो हम लोग इंस्टेंट जो है, कोई हॉस्टल की प्रॉब्लम है, कोई एकेडमिक प्रॉब्लम है, फेलोशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, बच्चों को फेलोशिप वहाँ पे कुछ दिक्कतें थी, मैंने UGC आके मैं बैठ के वहाँ के थर्ड फ्लोर पे सबसे मिल के जितने अधिकारीगण हैं और कर्मचारी सबसे मिलकर उन्होंने सॉल्व किया। सारे कई छोटी छोटी इनिशिएटिव मिली हैं। तो संवादहीनता के कारण ही विश्वविद्यालय परिसर में जो युवा ऊर्जा है, यूथ एनर्जी है, वो डिसिपेट गलत दिशा में होती है। तो अगर रखा जाए तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो नॉर्मली हमारे यहाँ हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स आते हैं तो वो भी वही काफ़ी बुद्धिमान हैं, चीज़ों को समझते हैं अगर उनको प्यार से एक लॉजिक के साथ समझाया जाए। और तो मैं एक फ्लेक्सिबिलिटी एंड फर्मनेस दोनों को मैं मिला के चलता हूँ, अभी तक तो सफल हुआ हूँ, भविष्य में हो सकता है ये स्ट्रेटजी काम करे। तो इसी प्रकार से हमने कई समस्याएं सॉल्व की हैं। और मुझे आप माननीय स्मृति ईरानी जी जब मानव संसाधन विकास मंत्री थी, जब वहाँ पे आई थी वहाँ के कन्वोकेशन में 2016 में, तो उन्होंने भी एक घोषणा की थी कि नेहू इज़ द मोस्ट डिसिप्लिन्ड यूनिवर्सिटी इन द कंट्री, और वो बात अभी तक जो है मैं उसको मेंटेन की।
सर, आप सामाजिक क्षेत्र से भी जुड़े हो, जैसे कि आपने बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम के जीवन में भी आप एक एकदम अच्छे पासे की तरह आए हो, सर वो बात क्या है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है और इसके बारे में मैं अपने प्रिय दर्शकों के साथ ये चीज़ें साझा करना चाहूँगा कि मैंने 2015 में मैंने कार्यभार संभाला सितंबर में, उसके बाद जो पहला जो दीक्षांत समारोह मेरे आने के बाद जो हुआ, अब उसमें मुझे कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को जिन्होंने समाज के प्रति देश को अपना योगदान दिया है, जैसे इस साल हमने एक दिव्यांग जन, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांग शब्द की जो रचना की, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया, जो एक शब्द उन्होंने, एक कॉन्सेप्ट मैं उसको कहूँगा, उन्होंने हम लोगों को बताया, उससे मुझे प्रेरणा मिली। तो फिर श्री कनु भाई जी को मैंने पहली बार, मेरे किसी दिव्यांग की मैंने ये को जो है एक ये पदवी प्रदान की, डीलिट की। तो उस समय जब मैं ज्वाइन किया तो मेरे लग रहा था किस तरह के लोगों को होना चाहिए, और समाज के कई वर्गों में कई क्षेत्रों के लोग अपना लोगों ने अपना योगदान दिया है। तो फिर मैरी कॉम जी का जो मैं उनको माननीय, हमारी मैरी कॉम जी जो इस समय माननीय सांसद हैं राज्यसभा की, ये एक विचित्र संयोग है कि जब उनको ऑनरी डिग्री मिली उसी के संभवतः 2 या 3 महीने बाद वो हमारी राज्यसभा की सांसद मनोनीत हुई, हमारे भारत सरकार ने उनको मनोनीत किया राज्यसभा के मेंबर। तो ये हमारा कर्तव्य है कुलपति का या जो भी हायर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग हैं विशिष्ट पदों पे हैं, जिम्मेदारियों के साथ हैं, कि समाज के अन्य वर्गों के लोगों का भी जो बहुत ही विशिष्ट योगदान है देश में, देश के लिए, समाज के लिए, उनको भी हम लोग लाएँ। वैसे माननीय मैरी कॉम जी अब सभी लोग जानते हैं, शी इज एन ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट एंड ऑल दैट, बट एक एक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो विश्वविद्यालय जो संस्थाएं हैं वो जब एक डीलिट उपाधि प्रदान करती है तो उसको उनको एक अलग गौरव की अनुभूत होती है। तो ये नाम जो है, और ये आउट ऑफ बॉक्स हम मतलब मैंने जो है इस तरह के नाम प्रपोज किया, फिर हमारी परिषद ने उसको माना और माननीय हमारे एक्ट के हिसाब से जो भी नाम जो हमारे यहाँ विश्वविद्यालय से जाता है फिर वो भारत सरकार के माध्यम से होते हुए वो माननीय राष्ट्रपति जी फिर उसको प्रस्तुत उसकी संस्तुति देते हैं। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। सर, आप शिक्षा जगत के भीष्म पितामह कहलाते हैं, तो अब स्टूडेंटों को क्या संदेश देना चाहिए, क्योंकि आज के जमाने में सब सोशल मीडिया में बहुत व्यस्त रहते हैं, तो सोशल मीडिया से ध्यान हटा के शिक्षा में किस तरह से रुचि डालनी चाहिए उसके बारे में बताइए। मैं शिक्षा या उच्च शिक्षा का भीष्म पितामह तो नहीं, अगर चूंकि अगर उसी लहजे में मैं बात करूँ तो अगर मैं एक योद्धा हूँ उसमें, और जो योद्धा होता है उसका कभी उसका पड़ाव नहीं आता है, हमेशा उसको जो है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ते रहना, कुछ करते रहना है। आजकल के समय में चूंकि टेक्नोलॉजी का जो इंटरवेंशन है हमेशा हमारे आम जिंदगी में तो इतना ज़्यादा है कि सोशल मीडिया हम लोग उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। एंड सोशल मीडिया इज़ नॉट बैड पर से, वो कोई बुरी चीज़ नहीं, हाँ उसका इस्तेमाल जो है इतना ज़्यादा ना हो कि हम हमेशा एक वर्चुअल वर्ल्ड में रहें, एक काल्पनिक दुनिया में रहें, रादर देन इफ़ वी आर इन आवर रियल वर्ल्ड जहाँ पे हमको हमारे अन्य जो मित्र हैं, परिवार के सदस्य हैं, समाज के जो लोग हैं, पड़ोसी हैं, उनके साथ भी हमारा एक व्यक्तिगत संवाद होना चाहिए। इट्स नॉट दैट ओनली वी आर बिजी ऑन द मोबाइल, तो कुछ समय वो निकालना आवश्यक है। और छात्र जो हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, युवाएं, उनको मैं संदेश का एक अपना एक सुझाव अपने अनुभव के आधार पे ये ज़रूर साझा कर सकता हूँ कि भाई अनुशासन तो एक सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण है अनुशासन जो है व्यक्तिगत हित के लिए, परिवार के हित के लिए, हमारे पास पड़ोस समाज और राष्ट्र के हित में बहुत आवश्यक है। और हम लोगों ने वसुधैव कुटुंबकम की जो कल्पना की है वो तभी संभव है जबकि हम एक दूसरे से मिलजुल कर रहें, वो आवश्यक है। और साथ साथ अपने पठन पाठन पे ध्यान दें, और कभी कभी जीवन में चुनौतियां भी अगर हम लोग लें, हर चीज़ अध्ययन का सिर्फ उद्देश्य सिर्फ जॉब नौकरी नहीं है, बट और भी कई चीज़ें हैं, कुछ नया काम करना, कुछ इनोवेटिव रिसर्च करना, कुछ क्रिएटिविटी लाना,
तो इन सबको मिला के अगर स्टूडेंट लोग देखें और आजकल के ज़माने में जो शिक्षा पद्धति है उसमें कुछ कमी हम लोगों में भी है, शिक्षा पद्धति में हम लोग जो जो विभिन्न पदों पे हैं या जो समितियों में हैं, कि शिक्षा को कौशल विकास के साथ, शिक्षा के साथ हम लोग कौशल विकास जोड़ना है, शिक्षा के साथ हमको जो हमारे जो वैल्यूज़ हैं, मूल्य हैं, जीवन मूल्य, उनका भी हमको विकास करना है, उनको संवेदनशील बनाना है अपने समाज के प्रति। हम जहाँ जैसे मैं हूँ जहाँ पे है वहाँ पे मेरे जाने के बाद एक मैं बताना भूल गया थी, हमने कई ऐसे प्रोग्राम किए जो कि हमारा जो सोशल आउटरीच काफ़ी स्ट्रांग हुआ। हमने आसपास के जो वो जो जो लोकेलिटीज़ हैं उसके लोगों के साथ हमने अच्छा कनेक्ट किया, गांव भी हमने अडॉप्ट किया और भी कई चीज़ें जो हैं इस तरह से किया। तो आई थिंक एवरी यूनिवर्सिटी हैज़ टू कनेक्ट विद द सोसाइटी वेयर द कैंपस इज लोकेटेड एंड देन थ्रू दैट देन द रीजन एंड द कंट्री एज अ होल। और उसके साथ साथ हमको इंटरनेशनल लेवल के रिसर्च भी करते रहनी है जो कि विच कट्स अक्रॉस द फिजिकल ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। तो एक इंटरनेशनल परिप्रेक्ष्य में हम लोग को विश्वविद्यालय को काम करने हैं और आजकल रैंकिंग एक बहुत बड़ी जो है चुनौती है, तो विश्व स्तरीय जो प्रतिस्पर्धा है उसमें भी हम लोगों को भारत देश के जो विश्वविद्यालय हैं कुछ या कई उनको और हम लोग को रैंकिंग के ऊपर उठाना है। सर ऐसा मैंने सोचा है कि आपने कनुभाई टेलर से 5 मिनट की मुलाकात की और आपको उनके लिए कुछ करना है, ऐसा कैसे किस तरह से स्ट्राइक हुआ और उनको डॉक्टर की डिग्री देने के लिए आपको किन लोगों से कैसे किस तरह से बात करनी पड़ी, क्योंकि ये कोई इजी बहुत इजीली नहीं है कि किसी को भी आप मानव डिग्री डॉक्टर की दे दी, उसके लिए आपको कौन कौन सी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। ये प्रश्न और ये इसका उत्तर मेरे दिल के बड़ा करीब है और बहुत ही कठिन प्रश्न है कि इसमें अपनी मतलब फीलिंग्स को, भावनाओं को, संवेदनाओं को व्यक्त करना प्रयास करता हूँ। देखिए मेरी ये मेरा परम सौभाग्य रहा है मेरे प्रिय दर्शकों कि हमारे प्रिय माननीय श्री कनुभाई टेलर जी से मेरी एक क्षणिक वही 5 मिनट एक क्षणिक जो है भेंट हुई। अच्छा इनके बारे में मैंने एक अपना एक अपने तरीके से एक मैंने जो अनुसंधान को कह सकते हैं आप, क्योंकि ये मैं मुझे हर विशिष्ट व्यक्ति और उसके योगदान के बारे में तो पता नहीं, भारत में कई लोगों का इस तरह का है। तो जब मुझे ये हुआ कि एक हमारे दिव्यांग जो जन है जिसकी इन्होंने काफ़ी हमारे माननीय श्री कन भाई ने टेलर जी ने सेवा किया है, उनका जो प्रतिष्ठान है डिसेबल्ड वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसका काफ़ी योगदान रहा है, तो इनकी पूरी टीम के बारे में फिर मैंने जानकारी उपलब्ध की और इनसे जब मिला तो एक इंस्टेंट जो है मेरे उसमें दिमाग में आया कि नहीं भाई ये जो मानद उपाधि है ये माननीय श्री कन्हू भाई टेलर जी को मिलना चाहिए और उन्होंने इसको स्वीकार किया। ये मैं नेहू का भी एक सौभाग्य कहूँगा, तो उनकी सहमत मिली तो फिर मैं और फिर उसके बाद से जो है मैंने माननीय हमारे जो प्रिय विजय जी और भी लोगों से मैं चर्चा में था कि और तो माननीय श्री कन्हू भाई टेलर जी को मानव उपाधि देने का जो विषय है ये दर्शाता है कि नेहू एक केंद्रीय विश्वविद्यालय जो आप हमारा सूरत गुजरात हमारे भारत देश के पश्चिम में और हमारा शिलांग मेघालय जो है नेहू एक ईस्ट, अब ये ईस्ट और वेस्ट का एक तरह से मिलन एक ब्रिज हुआ माननीय श्री कन्हू भाई जी टेलर को प्रदान करना। और ये दर्शाता है जैसे मैंने कहा कि नेहू एक संवेदनशील है, नेहू के लोग भी एक जिम्मेदार नागरिक की तरह से कई क्षेत्रों में जो काम हुए हैं इन्होंने जो किए हैं दिव्यांग की सेवा के क्षेत्र में, दिव्यांगों को प्रोत्साहित करने के क्षेत्र में, उनके एक रिहैबिलिटेशन पुनर्वास के क्षेत्र में जिनका उनका बहुत बड़ा जो योगदान रहा है इसको नेहू रिकॉग्नाइज करता है। तो ये सब दृश्य से फिर ये नाम आगे बढ़ाया। फिर हमारे यहाँ एक्ट के हिसाब से जो हमारी जो स्टेट्यूटरी बॉडीज़ हैं उनको उनके उनको मैंने ये नाम उनके पटल पे रखा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पटल पे रखा, वहाँ से एक हमने एक रिजोल्यूशन पारित कराया, फिर वो हमने माननीय राष्ट्रपति जी को अपने कवरिंग लेटर के साथ भेजा, उसके साथ रिजोल्यूशन, ये सब वहाँ की जो ऑफिशियल प्रक्रिया है विच आई मीन एनी यूनिवर्सिटी हैज़ टू डू एज पर द एक्ट।
फिर यहाँ से हमारा मानव संसाधन मंत्रालय के थ्रू ओके, फिर माननीय राष्ट्रपति जी ने फिर अपनी संस्तुति दी, फिर वो हमको कम्युनिकेट किया गया। तब उसके बाद से मैं आधिकारिक रूप से फिर मैंने अपने स्टीकर भाई जी टेलर को कम्युनिकेट किया। फिर हमारे राष्ट्रपति जी जो है, पहले से मैं संपर्क में था, तो 4 नवंबर को जो है उन्होंने मतलब राष्ट्रपति भवन में हमको कम्युनिकेट किया कि 4 नवंबर को माननीय राष्ट्रपति जी शिलांग आएंगे नेहू, सिर्फ उसी कार्यक्रम के लिए मेघालय की उनकी पहली यात्रा रही नेहू में। और आए और माननीय श्री कनु भाई जी टेलर आए और उनके साथ आप लोग कुछ लोग वहाँ पे आए और बाकी तो सब एक जो है हर्ष का विषय है कि उनको मिला। और उन्होंने, मैं माननीय कनु भाई जी के प्रति आभारी हूँ कि उन्होंने उनके एक क्षणिक इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा कि मेघालय के जो दिव्यांग लोग हैं उनको भी अभी अगर कोई आवश्यकता पड़े यहाँ के पुनर्वास से संबंधित, उन्होंने जो ऑफर दिया है हम उनको सल्यूट करते हैं। तो इस तरह से ये हो गया। और एक ये बड़ा अच्छा संकेत हमारे मेरे हिसाब से समाज में, देश में और जो शिक्षित वर्ग है उसमें गया है कि भाई हम लोगों की जो संवेदना हमारे समाज के हर अंग के जो लोग काम के प्रति होनी चाहिए। ऐसे ये बड़ा अच्छा लगा। सर, आपने हमारे दिव्यांग भवन की मुलाकात ली, आपने हमारे सब बच्चों के साथ बात की, तो दिव्यांग भवन की और हमारे प्यारे से बच्चों के बारे में आप क्या कहोगे? ये भी अपने मतलब भावनाओं को तो मैं शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकता, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि कल शाम से हम लोग यहाँ पे आए 6 तारीख की शाम से, और आज फिर मैं और हमारे श्रीमती जी, श्रीमती ईरू श्रीवास्तव, दोनों लोगों ने आप सभी के गाइडेंस में सभी हम लोग क्लासेस में गए, क्लासरूम्स में गए, बच्चों से मिले। मैं ये कहूँगा कि उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, मतलब रादर देन आई डोंट नो कि हाउ फार दे आर मोटिवेटेड बाय आवर प्रेजेंस, लेकिन हमें एक बहुत मोटिवेशन मिला है कि छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जो किसी किन्हीं कारणों से जो एक उनमें कोई डिसेबिलिटी नाम की चीज़ ना हो के एक डिफरेंटली जो एबल जो उनका उनके व्यक्तित्व में जो है गुण है वो किस प्रकार से अपने आप को उन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए, और क्रेडिट गोज़ टू यू ऑल कि आप उनको एक प्रोत्साहित किया, उनको जो है ट्रेन किया, उनकी आप स्कूलिंग शिक्षा दीक्षा कर रहे हैं, तो ये सभी जो सामाजिक जो योगदान है इसको इसके कारण वो सभी बच्चे जो है अपने अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और वो हम लोगों को एक एक समझ लीजिए, मेरे पास शब्द नहीं है, हम लोगों को वो प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भाई इस इनके बावजूद भी जो है कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो अपनी ये जो कमियों को उसको बिना उसके ख्याल किए वो बड़ा काम कर सकता है। ये भावना व्यक्त करने मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन ये बहुत ही हमें बहुत अच्छा लगा और ये हृदय को छू गया। और ये मेरे जीवन में कई जगह मैं गया हूँ, ये अविस्मरणीय क्षण रहेगा इन बच्चों के साथ जो क्षणिक मुलाकात हुई है। हमने बच्चों को देखा वो कैसे लिख रहे हैं, पैर से लिख रहे हैं, उनकी हैंड राइटिंग, उनकी ड्राइंग, मैथमेटिक्स भी पढ़ रहे हैं, उनका जो है लैंग्वेज का भी क्लासेस चल रही है, इकोनॉमिक्स के क्लासेस में मैं गया सब भी। और फिर आप लोगों का जो ये सेंटर यहाँ पे है, एक स्किल सेंटर जो है वहाँ पे आपने वोकेशनल जो सेंटर है वो भी, और फिर उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मॉडर्न जो IT कॉम्पोनेंट है, कंप्यूटर्स है, सभी की आप शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं। तो मैं बड़ा ही इनकरेज हुआ हूँ और मेरी अनेकों शुभकामनाएं इस केंद्र को, सेंटर को है कि ये जो आप देश के लिए, समाज के लिए जो योगदान कर रहे हैं। सर, लास्ट क्वेश्चन, अब दिव्यांग न्यूज चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या छोटा सा संदेशा देना चाहते हो? दर्शकों को मैं संदेश कह दूंगा, मैं हमारे माननीय श्री विवेकानंद जी की वो जो उनके उनका जो संदेश है उसी को मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा, और ये मेरे ख्याल से सब देश के सभी नागरिकों के लिए है।
आप सभी के लिए है, हमारे लिए है, मेरे लिए, सभी के लिए है कि हमारे देश में जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी के निवारण के लिए, देश की प्रगति के लिए, उसकी उन्नति के लिए, विकास के लिए, हम सभी को, समाज के सभी वर्गों को एक दूसरे के प्रति संवेदना रखते हुए, उनकी सहायता करते हुए, सहायता जब हम कर रहे हैं तो इसका मतलब सिंपैथी नहीं, इम्पैथी जिसको बोलते हैं, वो वही भावना हमारे दिल में रहे जो दूसरे के दिल में है, उसके साथ जो है, अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है तो उन्होंने जो हमें संदेश दिया, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति न हो, इस संदेश को या आदेश को जो आप कहें, भावना को, अगर हम सभी नागरिक अपने हृदय में, अपने मानस में रखें तो हम सभी मिलकर अपने इस देश को पुनः जो है हर दृष्टि से, शिक्षा के साथ साथ आर्थिक दृष्टि, सामाजिक दृष्टि से इसको बहुत ही समर्थ, सशक्त बना सकते हैं और समाज के सभी वर्गों के लोगों जो समाज की सबसे निचले स्तर पे है, जिनको संवेदना की सहायता की हर प्रकार की आवश्यकता है, उन सभी को हम लोग उनकी सहायता करते हुए इस पूरे देश और समाज को हम लोग फिर से एक सशक्त समाज, सशक्त राष्ट्र बनाएंगे, इसकी पूरे विश्व में जो एक कल्पना है विश्व गुरु के रूप में, और इसके साथ साथ जो हमारा दर्शन है वसुधैव कुटुंबकम की, इन सबको एक हम जो है सिद्ध करने की स्थिति में हो सकते हैं। आप सभी को पुनः शुभकामना। थैंक यू सो मच सर, दिव्यांग न्यूज चैनल से बात करने के लिए।